टॉपिक जिसमें समस्या हो, कोहलर के नहीं, लास्ट में क्या पढ़ाते थे, बंदूरा, इनका समझ में आया था। चलिए फिर से बता दे रही हूँ, बंडूरा का भी सिद्धांत अगर पूछा जाए तो इनके सिद्धांत का नाम अक्सर पूछा जाता है, उसका नाम क्या है, सामाजिक अधिगम। अगर पूछा जाए सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया, तो किसने दिया, बंडूरा ने। ठीक है, पूछा जाए कि इनके सिद्धांत में तीन मूलभूत तत्व कौन से थे जी, उन्होंने बताया। तो पहले क्या थे आपका, पहला व्यवहार, सूझ या संज्ञान, और सामाजिक वातावरण। ठीक है, कैसे, सिर्फ इससे नहीं सीखेगा सिर्फ इससे नहीं सीखेगा, क्या करेगा, तीनों के बीच क्या होगी, अंतः क्रिया होगी, जिससे बालक क्या करेगा, सीखेगा। अंतः क्रिया मतलब दोनों साइड चलेगा, अगर एक साइड चलती तो एरो क्या होता, एक साइड रहता। एक ये इसको कहते हैं क्या, कॉन्सेप्ट मैपिंग, कि आप एक मैप देख के बता देंगे कि इसकी क्या भूमिका है। जैसे आप मानचित्र देखते हैं ना भारत का, तो पूरा पता चल जाता कि कैसा है। अब अभी आपसे ये बताया जाए कि ऐसे ऐसे जाता है, फिर थोड़ा ऊंचा है, फिर थोड़ा नीचा है, तो क्या समझ में आएगा। लेकिन मैप देखते तो तुरंत समझ में आता है कि कहाँ पे पहाड़ है, कहाँ पे आपका गंगा के जो तटीय मैदान है, कहाँ पे आपका साउथ इंडिया क्या है, कौन सा है। तो हम जो मैप बनाते हैं, तो एक मैप से हम पूरा कॉन्सेप्ट क्या करते हैं, समझ लेते हैं, इसलिए हम मैपिंग करते हैं। आप देखिए इन्होंने जो कहा कि तीनों के बीच अंतर्क्रिया होती है, लेकिन उसमें इम्पोर्टेंट क्या होता है आपका, सामाजिक वातावरण, इसीलिए यहाँ पर सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहा गया। यूपीटेट के पर्पज से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सीटेट के पर्पज से इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें समाजीकरण पर बहुत ध्यान देते हैं, मानवतावाद, समाजवाद आपका, ये सब बहुत उसके क्वेश्चंस में, उसके आंसर में बहुत ज़्यादा पूछता है। अगर आपने अभी नहीं शुरू किया तो आप शुरू कर दीजिए क्या, प्रैक्टिस सेट या आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, क्योंकि जब आप वहाँ प्रश्न देखेंगे तब आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। डायरेक्टली कोई चीज़ वहाँ नहीं पूछती, वहाँ इनडायरेक्ट पूछेगा, जैसे कंडीशन देगा, ऑप्शन देगा, तो आपको एनालिसिस करना है कि कौन सा ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। तो फिर इन्होंने जो कहा, अब देखिए ये तो बोला कि ये आपका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है सीखने का, लेकिन बच्चा सीखता कैसे है, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन, अवधान, स्थायित्व, पुनरुत्पादन और अभिप्रेरणा। चार स्टेज किसने बताए हैं, बंडूरा। ये और थोड़ा हाई लेवल का है, लेकिन आप जानिए क्या, अवधान, स्थायित्व, पुनरुत्पादन और क्या, अभिप्रेरणा। अवधान जैसे कहते हैं अटेंशन में आना, अवधान मतलब ये नहीं कि रुकावट, अवधान मतलब रुकावट नहीं होता, अटेंशन में आना किसी चीज के प्रति, हम कहते हैं ना अटेंशन, इसके बाद कोई चीज स्टार्ट करते, जब तक आप अटेंशन में नहीं रहते तब तक कोई चीज सीखते नहीं, ये किसका कहना, ये बंडूरा का भी कहना। और खांडाक ने क्या कहा था, तत्पर, इस शब्दों के अंतर को समझिए, किसने क्या कहा। अब अटेंशन जब आएगा तो कहां से आएगा, माइंड से आएगा ना, तो देखिए ये पक्ष आपका सोच से रिलेटेड हुआ कि नहीं, है ना, अटेंशन कहाँ होगा, हाथ पैर पटकने से थोड़ी अटेंशन में आते हैं, कि हर जगह अटेंशन में आने के लिए आपको ऐसे सावधान नहीं खड़ा होना पड़ता, अटेंशन कहाँ से आता, मस्तिष्क से। तो सीखने का पहला चरण क्या होता है आपका, अवधान या अटेंशन। फिर स्थायित्व, तो स्थायित्व कोई चीज कैसे होगा, मस्तिष्क में ही होगा, लेकिन जब उसका थोड़ा बहुत क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे। देखिए थार्नडाइक के भी रूल इसमें आ रहे, समझाने का प्रयास करिए, यहाँ आपको रटाना नहीं, रटाना तो एक साइड से खोजेंगे तो सारी चीजें, सारे पॉइंट आपको बुक्स में मिल जाएंगे, यहाँ समझना है कि बच्चा कैसे सीखता, क्योंकि यहाँ पे एक आपका सिलेबस में पॉइंट है ना, बच्चा कैसे सीखता है, तो वो चीज आप समझिए कि किसके अनुसार कैसे सीखता।
तो यहाँ जब रिटेंशन या स्थायी, तो किसी चीज को स्थायी बनाना, तो जैसे पहली बार आपने क सीखा, क्या पहली बार में आपके दिमाग में स्थायी हो गया कि क ऐसा रहता है? कई बार आपको क्या होमवर्क में क क क दिया रहता है, इसके नीचे 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 लिखते हैं, याद करें, तो क्या करते हैं? अभ्यास। यहाँ अभ्यास की बात नहीं है, यहाँ स्थायी की बात है, लेकिन इसके पीछे फैक्टर क्या? अभ्यास होगा तभी स्थायी होगा। तो अभ्यास दिमाग और व्यवहार दोनों से होता है, दोनों के बीच जब इंटरेक्शन। अब देखिए दोनों यूज हुआ कि नहीं, यूज हुआ ना। फिर रिप्रोडक्शन, किसी चीज का फिर से पुनरुत्पादन करना। जैसे कोई चीज आपको दी जाए, जो होता है गेहूं का आटा, और आप क्या करें, रिप्रोडक्शन में रोटी बना दें, तो आप तो आटा भी खा सकते हैं, है ना, लेकिन क्या करेगा वो, नुकसान करेगा। आप उसका क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। प्लास्टिक है, वेस्ट हो रहा है आपका, कोई चीज है उसको फिर गला के दूसरी चीज बना देते हैं, कुर्सी वगैरह, जो प्लास्टिक वगैरह आपके जो बिखरे पड़ते हैं उसको नष्ट नहीं किया जा सकता ना, तो रिप्रोडक्शन करते हैं कि नहीं। जो ज्ञान आपने अवधान से स्थायी किया, उसका फिर बच्चा क्या करता, रिप्रोडक्शन करता है। तो रिप्रोडक्शन में आपका कुछ कुछ वातावरण भी क्या होता है, इन्वॉल्व हो जाता। और आप तब तक नहीं सीखेंगे सही से जब तक आपको अभिप्रेरणा नहीं मिलेगी। अभिप्रेरणा का सिद्धांत कहता है, कहता है ना, आप बहुत पढ़िए और कोई ये ना कहे कि आप अच्छा कर रहे हैं। या आप जॉब क्यों चाहते हैं, सेटिस्फेक्शन के लिए, कि आपको खाने के लिए नहीं है, कि आपको पहनने के लिए नहीं है, कि आपको रहने के लिए घर नहीं, किस लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए, और क्या समाज में एक सम्मान के लिए, कि हाँ हम भी अपने पैरों पे खड़े। तो वो अगर ये सम्मान ही ना दे कि जॉब करो चाहे ना करो उतना ही सम्मान दे, या एकदम ना दे, तो कोई करेगा जॉब, इतनी मेहनत करेगा, प्राइवेट में ना चला जाए, क्यों प्राइवेट में नहीं जा रहा, क्यों गवर्नमेंट में जा रहा है, उसको सम्मान मिलता है। तो वो मोटिवेशन कहाँ से मिलता है, वो अभिप्रेरणा आपके सामाजिक वातावरण से मिलती है। तो ये सीखने के चार स्टेप बताए हैं कि पहले बच्चा अवधान में आएगा, स्थायित्व करेगा उस ज्ञान का, उसका पुनरुत्पादन करेगा, और उसमें कोई ना कोई अभिप्रेरणा होगी, तब जाके एक प्रोसेस करके एक अधिगम होगा। इनके अनुसार अगर पूछा जाए कि बच्चा कैसे सीखता है, तो बंडूरा ने कहा बच्चा अवलोकन से सीखता है, ऑब्जर्व करता है। पूछता है कि इनके अनुसार बच्चा कैसे सीखता, तो ऑब्जर्व करेगा, तो दिमाग से, तो दिमाग में ऑब्जर्व करेगा, लेकिन से नहीं, ऑब्जर्व कहाँ से करता है, वातावरण से, उसको अपने व्यवहार में लाता है, तब हम कहते हैं बच्चा क्या कर रहा है, सीख गया। तो वही इसीलिए क्या है इसका नाम, सामाजिक अधिगम। समझने का प्रयास करो, नहीं समझ में आया फिर से बताऊंगा। यहाँ हम कोई चीज पहले क्या करते हैं, दिमाग में एक्सेप्ट करते हैं, फिर व्यवहार से उसको स्थायी करते हैं, फिर व्यवहार और दिमाग को मिला के उसका पुनरुत्पादन करते हैं, और अगर उस सामाजिक वातावरण से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो हम एक अच्छी प्रक्रिया के अंतर्गत सीख जाते हैं। सो कहते हैं सार्थक सीखना, कई प्रकार की चीजें सीखते हैं ना, जैसे कई कागज के कई यूज होते हैं, आप बोर्ड भी बना सकते हैं, कागज पर लिख भी सकते हैं, लेकिन उस बोर्ड का यूज उतना नहीं है जितना लिखने का, तो हम ज्यादा क्या प्रेफर करते हैं, क्या हमेशा कागज पाए फाड़ के बोटी बनाएंगे, सीखा तो वो भी है, लेकिन सार्थक सीखना जो क्या यूजफुल हो। तो यूजफुल जो सीखेंगे वो क्या, जब तक मोटिवेशन नहीं रहेगी तब तक नहीं सीखेंगे। अगर कोई बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, बहुत लोगों के लिए कर रहा है, लेकिन बार बार उसको निगेटिव फीडबैक मिलेगा तो छोड़ देगा, कितने दिन तक लड़ेगा दूसरों से। तो ये सारी चीजें आपकी होती, ऐसे क्या करता है बच्चा सीखता है। पूछा जाए बंडूरा के अनुसार कैसे सीखता है, तो ये चार स्टेप में सीखता है, लेकिन जनरली अगर पूछा जाए तो ऑब्जर्व करता है या अवलोकन करता है, फिर वो जो देखता है उसका अनुकरण भी करता है। ऐसा नहीं उसको देख लिया बस सीख लिया, ऐसा नहीं, जो देखा सीखा उसी समाज से वो अनुकरण करके क्या करता है, सीखता भी है। तो ये किसका सिद्धांत है आपका, बंडूरा। समझ में आए, कौन से स्टेप है, अवधान, स्थायित्व, पुनरुत्पादन और अभिप्रेरणा। चार स्टेज में उन्होंने क्या बताया, बच्चा सीखता है इस प्रोसेस के अंतर्गत। अंतःक्रिया की पूछा जाए तो किसके किसके बीच होती है, व्यवहार, सूझ और सामाजिक वातावरण। बच्चा सिर्फ सीखता कैसे है, तो वो ऑब्जर्व करता है फिर अनुकरण करके सीख लेता है। ये किसका सिद्धांत है, बंडूरा। ठीक है, इसके बाद जो आपका इम्पोर्टेंट फैक्टर है आता है सीटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से,
कि आज है हमेशा एक प्रश्न आता है चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, एक से दो प्रश्न इससे जरूर आते हैं और हर बार अलग प्रश्न आते हैं जो आपके आ चुके जरूरी नहीं कि आएंगे। लेकिन यहाँ हमें समझने की जरूरत है कि इनका सिद्धांत इम्पोर्टेंट क्यों है। अगर पूछा जाए पियाजे ने कौन सा सीखने का सिद्धांत दिया तो संज्ञानात्मक, ठीक है। संज्ञानात्मक जो होता है प्रक्रिया अगर सीखने की पूछी जाए किसके अनुसार है वो पियाजे। इन्होंने दो चीजों पर तीन चीजों पर सिद्धांत दिया, एक आपका विकास, दूसरा अधिगम, तीसरा नैतिकता। हम तो एक ही जानते हैं ना, लेकिन क्या तीन पक्षों पे बहुत सारे दिया लेकिन इंपॉर्टेंट आपके तीन है। इन्होंने विकास कैसे होता है संज्ञानात्मक विकास उस पर दिया एक सिद्धांत, बच्चा सीखता कैसे इस पर दिया सिद्धांत, और उसमें नैतिकता कैसे आती है इस पर दिया सिद्धांत। जब विकास के सिद्धांत की बात करें तो इन्होंने चार स्टेज दिए हैं कि बालक विकसित कैसे होता है। पहला है संवेदी गामक पूर्व संक्रियात्मक मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक, ये सब क्या है अवस्था, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। वैसे इन्होंने चार कैटेगरी कौन सी दी, विकास संवेदी गामक अवस्था, पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब यहाँ कोई भी ऐसी अवस्था नहीं है जो पिछले से अछूती, हमें ये समझना है। हम हमेशा ये पूछते सोचते हैं कि संवेदी गामक अलग, पूर्व संक्रियात्मक अलग, मूर्त संक्रियात्मक अलग और औपचारिक संक्रियात्मक अलग। तो क्या कोई भी ऐसा इंसान नहीं होता प्रौढ़ जिसके अंदर किसी शैशव का कोई गुण हो सकता है ना। क्या बालक में शैशवावस्था कोई गुण नहीं होते या किशोरों में बालकों के कोई गुण नहीं होते। ये तो एक सीढ़ी है ना कि पहला जब विकसित हुआ जन्म लिया जब से तब से वो एक एक अवस्था को क्या करता है क्रॉस करता है। तो ऐसा भी होता है कि हम मानते कुछ हैं एक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में लेकिन होता कुछ और है। क्या हर व्यक्ति का विकास ऐसे ही होता है जैसे सारे मनोवैज्ञानिक कह के गए, नहीं। उसमें बहुत सारी चीजें क्या करती हैं इफेक्ट करती हैं, जैसे आपका वातावरण कैसा है, वंशानुक्रम कैसा है। जैसे बाल विकास के आपने पढ़े होंगे कि कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं, तो वातावरण करता है, वंशानुक्रम करता है, उसकी शिक्षा भी करती है, आर्थिक सामाजिक नैतिक सारे स्तर जितने भी आपके चारों तरफ जितने भी फैक्टर हैं सब उसके विकास को क्या करते हैं उसका आप उस जो क्या पोषण है उसका पोषण स्तर क्या है, किस प्रकार के उसके जो पेरेंट्स हैं उनकी एजुकेशन है ये भी है। कभी कभी क्या करते हैं बालकों का विकास अवरुद्ध हो जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि पेरेंट्स क्या अवेयर नहीं होते जागरूक नहीं होते। तो बहुत सारे फैक्टर आपके इफेक्ट करते हैं लेकिन कुछ तो ऐसा हमें बेसिस चाहिए कि हम कहें कि लगभग ये गुण क्या उसमें होते हैं। तो कोई भी सिद्धांत 100% विकास का कोई भी सिद्धांत हो फॉलो नहीं करता किसी को। सबने अपने अपने अनुभव एक्सपीरियंस एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये बोला है कि बच्चे की अवस्थाएं कैसी होती है। इसको जानने से पहले हम अभी आपने पढ़ाई है इससे पहले शैशवावस्था हमने जाना क्या होता है, ठीक है, बाल्यावस्था जाना, किशोरावस्था, तीन प्रमुख रूप से पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसी स्टेज होती है जिसमें वो परिपक्व नहीं रहता, परिपक्वता से पूर्व की स्थिति रहती है। तो इसमें बालक क्या हो सकता है उसका विकास रुक भी सकता है या वो विद्यालय में आ रहा है तो हमारी क्या जिम्मेदारी है जाने की उस अवस्था में क्या क्या कंडीशन होती है। इसीलिए विभिन्न मनोवैज्ञानिक हलाक हुए आपके है ना बहुत सारे आपने पढ़ा हुआ है। अभी कौन कौन से आपके थे किन्होंने किस किस रूप में किस किस एज को क्या क्या डिफाइन किया। चलिए ठीक है, हाँ हाँ ठीक है।
नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा। तो लेकिन अगर हम पियाजे के अनुसार पूछें तो इन्होंने विकास के कुल चार चरण बताए। पहला है संवेदी गामन, पूछा था कब से कब जन्म, हम भी जीरो करते थे, बहुत लोग बहुत चिल्लाए क्या जीरो नहीं होता ना, जी जन्म से दो वर्ष, ठीक है, दो से सात वर्ष, सात से ग्यारह वर्ष। इसको विस्तृत पढ़ाना है तो घबराएगा मत, कुछ पॉइंट्स आज आप देख के जाएंगे, कुछ कल, कम से कम एक दो दिन इसको पढ़ेंगे तो कम दो प्रश्न आपके फिक्स हो जाएंगे। तो जितने पॉइंट यहाँ जितने पढ़े उतने आपके दिमाग में बैठ जाने चाहिए, उसको मत भूलिए। फिर ये कहीं कहीं आपको 12 वर्ष भी दिख जाएगा, है ना, कहीं कहीं, लेकिन वास्तव में क्या है वो 11 वर्ष है। 11 12 इसलिए भी नहीं कहा जाता बहुत ज्यादा कि एकदम आप बाउंड्री नहीं कर सकते कि 11 वर्ष एक दिन के बाद वो दूसरी अवस्था में थोड़ी चला जाता है, या 11 वर्ष के एक सेकंड बाद थोड़ी है कि दूसरी अवस्था में चला जाता है। तो जो फ्लैक्चुएशन होता है उससे मत घबराइए कि ये कुछ और कहते हैं वो कुछ और, वो तो बालक के ऊपर निर्भर करता है कि उसकी क्या कंडीशन है, ठीक है। लेकिन यहाँ 7 से 11 वर्ष हम जानते हैं, 11 से 15 वर्ष अब यहीं तक लोग लिखा के छोड़ देते हैं, लेकिन ये बताए कि इसके बाद तो कोई अवस्था बताई नहीं, तो क्या इसके बाद बालक किसी अवस्था में नहीं होता, वो इसी अवस्था में, लेकिन क्या इसकी विकसित अवस्था दिन ब दिन उसमें क्या आती है, मैच्योरिटी आती है और विकसित हो जाती है। तो एज ड्यूरेशन देखिए, जन्म से दो वर्ष, दो से सात, सात से ग्यारह, ग्यारह से पंद्रह या पूरे आजीवन, ग्यारह से लेके आजीवन तक वो किस अवस्था में रहता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब इनको देखिए किसी अवस्था से कोलैप्स करिए, कौन सी अवस्था में आएंगे, ये शैशव अवस्था में, ठीक है। शैशव अवस्था के बालक अर्थात अगर हम शैशव अवस्था के गुण जानते होंगे तो हम लगभग संवेदी गामक के गुण बता देंगे। अब यहीं से कोलैप्स करना है आपको, कौन से बालकों को हमें यहाँ रखना, कि हम भूल गए कि इसमें क्या उन्होंने कंडीशन बताई थी, तो कौन से बालकों को यहाँ रखेंगे। तो जब अगर आपसे पूछा जाए संवेदी गामक, तो आप थोड़ा बहुत इसमें कोलैप्स किसको कर सकते हैं, शैशव होता वही बालक है, वो थोड़ी है कहेंगे कि ये पियाजे के अनुसार विकसित होंगे, वो जो है रॉस के अनुसार या हलॉक के अनुसार, ऐसा थोड़ी है, बच्चा तो बच्चा है, वो अपने मन से विकसित हो जैसा वातावरण विकसित। लेकिन माना जाता है कि काफी चीजें क्या होती कोलैप्स करती, क्योंकि इनका कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट्स है वही बस हमें जानना है, बाकी चीजें आपकी क्या आएंगी शैशव अवस्था। अब दो से सात वर्ष के बालकों की अगर आप अवस्था देखें और सात से ग्यारह, ये अगर आप देखें इसमें तो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन रहेगा आपका कि हाँ इसमें देखिए दो पांच तक कहीं पढ़ा हमने शैशव अवस्था, कहीं दो ही तक पढ़ा है ना, तो इसको मान लीजिए कि आप पूर्व बाल्य अवस्था में रख देंगे, ये आपका क्या हो गया मध्य या उत्तर बाल्य अवस्था में आ जाएगा। उसके बाद क्या है किशोर अवस्था के बाद, अब इन्होंने यही चीज किया कि जो किशोरों की उथल पुथल थी इसमें नहीं दर्शाया, बस ये बताया कि बच्चे का विकास संज्ञानात्मक विकास कैसा होता है, ये नहीं कि शरीर का विकास बताया। ये कौन सा सिद्धांत है, उन्होंने ये नहीं बताया कि इतना लंबा होता है इतना चौड़ा होता है या ऐसे होता है, उन्होंने ये बताया कि उसके संज्ञानात्मक जो प्रक्रिया है उसका विकास कैसे होता है। संज्ञान जानते हैं आपका मस्तिष्क से रिलेटेड। अब देखिए जन्म से दो वर्ष का बालक आपको पता है उसको कोई पकड़ने वाला चाहिए, चलाने वाला चाहिए, खिलाने वाला चाहिए, पिलाने वाला चाहिए, चाहिए ना, हर चीज अपने से नहीं कर सकता, तो कुछ चीजें आप वहां से उठा के आ रखिए। तो इसमें एक है आत्म केंद्रित नहीं होता, ये इस बार का प्रश्न, ये चीज पूछा था इसका करके। लेकिन देखिए आत्म केंद्रित मतलब क्या, खुद पर निर्भर है, वो क्या होता है दूसरों पर डिपेंड होता है, यहाँ शब्द समझिए वो आत्म केंद्रित नहीं, यहाँ वो आत्म केंद्रित है कि बच्चा खुद पर डिपेंड नहीं होता दूसरों पर डिपेंड होता है, ठीक है। अगर दूसरे चीज आपसे पूछा जाए शब्द कोश, तो ये भी संज्ञानात्मक है ना, दिमाग में कितने शब्द सीखे, तो इनके अनुसार लगभग क्या 200 शब्द क्या बालक सीख जाता, कौन सी अवस्था तक,
संवेदिका, पियाजे के अनुसार। नहीं सुना क्या, इतना कंफ्यूजन से देखा। लगभग 200 शब्द क्या करता है वो, सीख जाता है। और यहाँ के लास्ट तक आते आते वो 1600 शब्द सीख जाते हैं इसके लास्ट। ये भी क्या है, संज्ञानात्मक। ठीक है, फिर से लिखा दूंगी, अभी एकदम मत पूछा, अभी बस देख लीजिए कि क्या है, क्योंकि बहुत डर लगता है लोगों को पियाजे से, क्योंकि बहुत प्रश्न पूछते हैं, लगता है गलत ना हो जाए, इसलिए थोड़ा देख के डर खत्म कर लीजिए, फिर तो बताएंगे। अब देखिए, 200 शब्द सीखता है, दूसरों पर डिपेंड होता है, कोई चीज पाता है तो क्या करता है, मुंह में डालता है, चूसता है। लेकिन ये सब चीजें इन्होंने नहीं कही, इन्होंने सिर्फ क्या कहा, संज्ञानात्मक। तो शब्दों की बात, अगर इसमें जो फोकस पॉइंट है आपका 200 वर्ड्स, इसमें आपको याद रखते हैं, और क्या दूसरों पे डिपेंड जो रहता है वो याद रखना है। फिर आएगा वो पूर्व संख्यात्मक में, तो इसमें दो अवस्था है, पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था और आंत प्रज्ञ अवस्था। देखिए, पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था और आंत प्रज्ञ, तो रहेगा दूसरे साथी। अब इसी में दो एक और बाउंड्री कर दीजिए, 4 वर्ष तक की बाउंड्री करेंगे, तो 2 से 4 यहाँ और 4 से 7 यहाँ। 2 वर्ष से 4 वर्ष तक किस अवस्था में रहता है, पूर्व प्रत्यात्मक, और 4 से 7 वर्ष तक किस अवस्था में रहता है, आंत प्रज्ञा। ठीक है, आप देखिए ये ड्यूरेशन अगर आपसे पूछे पूर्व प्रत्यात्मक की, तो याद रहेगा ना, एक बाउंड्री याद रखेंगे, 2 से 7 में 4 की बाउंड्री डालेंगे, और आधे इधर आधे उधर बाकी इनके पीछे। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे जो पूरी प्रत्यात्मक अवस्था है और आंत प्रज्ञ, इसको बांटने की क्या जरूरत है। यहाँ पे जो बालक रहता है पूर्व प्रत्यात्मक, नीचे तक नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिक्कत हो रही है। अच्छा, पूर्व प्रत्यात्मक और आंत प्रज्ञ, दो अवस्थाएं हैं जो बाउंड्री की, 2 से 4 और 4 से 7। इस अवस्था में बालक जो मन करे वही पूछता है, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब आओगे, कब जाओगे, कैसे खाऊंगा, क्यों हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है, ये क्यों होता है, तो इसको खोज की अवस्था भी कहते हैं। अर्थात बालक निरर्थक सार्थक दोनों प्रकार के प्रश्न इसमें पूछता रहता। अब जब पूछेगा तो क्या जिंदगी भर पूछता ही रहेगा, फिर जब आंत प्रज्ञ में आएगा तो क्या चीजों को एक्सेप्ट करना शुरू करेगा, समझने का प्रयास करेगा, इसमें चीजें समझेगा, लेकिन दूसरे प्रश्न बनाएगा बहुत तेजी से, उसमें भी उत्तर में भी पूछेगा। ऐसे बच्चों की आदत होती है ना, अब जिनके घर में बच्चे होंगे जरा याद करिए इस ड्यूरेशन में क्या क्या किए होंगे, या आप लोग को तो याद नहीं होगा, अभी कल क्लास नहीं याद रहती है, बचपना कहाँ से याद रहेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो खोज की अवस्था में रहता है, तो सब कुछ क्या करते रहते हैं, खोजते रहते हैं, क्यों कैसे क्या, हर चीज पे प्रश्न पूछते हैं। तो फिर जब 4 से 7 वर्ष की अवस्था में होते हैं तो चीजों को एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं, लेकिन एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये है कि यहाँ पे इनके अंदर एक क्वालिटी नहीं होती। जैसे दो लाइन है, अगर दोनों बराबर दिखाई दे, ठीक है, पूछे क्या है दोनों लाइन बराबर है, तो कहेगा हाँ, मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर की है और ये भी क्या है 2 सेंटीमीटर की है। लेकिन अगर यही लाइन ये ऐसे कर दीजिए और ये भी 2 सेंटीमीटर की है और ये भी 2 सेंटीमीटर, तो पूछेंगे बेटा बड़ा कौन है, तो कहेगा ये समझ नहीं आया। इसको कहते हैं जो ये टर्म यूज होता है विचारों की अविलोमीयता, ठीक है, विचारों की अविलोमीयता कौन सी अवस्था में रहती है, अब इससे पहले तो रहती ही है, लेकिन यहां से चीजों को एक्सेप्ट करना शुरू करता है, लेकिन क्या एक डायरेक्शन में, कि आगे तो जाएगा लेकिन आगे गया या आगे बढ़ा लेकिन पीछे नहीं आ रहा कि हाँ यहाँ ये भी बढ़ रहा है। अर्थात उसके विचारों में क्या होती है, अविलोमीयता। फिर जब इससे 7 वर्ष से ऊपर जाएगा तो कौन सी अवस्था में आएगा, मूर्त संख्यात्मक, ठीक है, मूर्त
आध्यात्मिक अवस्था कौन सी होती है? मूर्त मतलब मूर्ति, या जो चीज छू सके, देख सके, समझ सके। समझना तो अलग है, मतलब जिस चीज को हम क्या देख सके, अपनी इंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते। सिर्फ देखना नहीं है यहाँ, क्या बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आप हवा है और तेज चल रही है और आप अनुभव कर रहे हैं, तो आपके लिए ये भी मूर्त होगी। लेकिन इसमें ये कॉन्सेप्ट समझना होगा कि वो हवा आपको टच नहीं कर रही, उसमें जो कण है वो आपसे टकरा। तो मूर्त अवस्था वो अवस्था जिसको हम इंद्रियों द्वारा क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या करता है, बच्चा गणितीय संक्रियाएं करना शुरू करता है। देखिए 7 वर्ष, अब यहाँ अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो 6 से 14 वर्ष में क्या, 6 वर्ष में वो कक्षा 1 में रहेगा ना, 6 तो 7। तो यहाँ देखिए कोलैप्स कर रहा है कि नहीं, ये विद्यालयकरण की अवस्था है कि नहीं। इन्होंने कहा भले नहीं, आपको समझना है कि किस अवस्था में, किस अवस्था में कक्षा 1 के बालक को हम क्या क्या सिखाते हैं, कौन सी बुक रहती है, क्या कंटेंट रहता है। तो उसमें आपने देखा होगा कि गणित उसको सिखाते हैं प्रारंभिक, और भाषा भी सिखाते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए अब कि इस अवस्था में वो मूर्त चीजें करना शुरू कर देगा, गणितीय संक्रियाएं करना शुरू कर देगा, चीजों को समझना शुरू कर दीजिएगा। और जो विचारों की अविलोमियता है वो क्या होगी, धीरे धीरे कम होगी, एकदम खत्म की बात नहीं कर, यहाँ क्या होगी इसके सापेक्ष कम होगी। यहाँ तक पूरा क्या है, यहाँ तक वो विचारों की अविलोमियता नहीं ही है, लेकिन यहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इसके जब डेवलपमेंट करेगा 11 वर्ष तक, तो धीरे धीरे वो चीजें सीखेगा ना। अब यहाँ पे अविलोमियता की बात की जाए तो 2 और 2 अगर जोड़ लेगा तो 2 और 2 घटा भी लेगा, उल्टा रिवर्स जाएगा ना, अगर गुणा भी कर लेगा तो भाग भी कर लेगा। तभी ना यहाँ से हम गणित शुरू करते हैं। तो किस अवस्था में होगा ये, मूर्त संख्या, जो चीजों का मूर्तिकरण बच्चा करे। अब अगर पूछा जाए कि ऐसा कौन सा अवस्था है, ऐसी कौन सी अवस्था प्याजे के अनुसार जिसमें अमूर्त चिंतन होता है, तो बस जैसे ही यहाँ ब्रेक हुआ आपकी लास्ट अवस्था में वो सब कुछ कर लेगा, अमूर्त चिंतन भी कर लेगा, समस्या समाधान भी कर लेगा, चीजों को समझ भी लेगा, हर चीज सिस्टमेटिक, हर चीज की व्याख्या भी कर लेगा, विश्लेषण कर लेगा, जैसे जैसे डेवलप करेगा वैसे करेगा ना। तो सबसे डेवलप्ड आपकी अवस्था कौन सी है, औपचारिक संख्यात्मक अवस्था। प्रश्न कई बार आ भी चुका है कि अमूर्त चिंतन कौन सी अवस्था में होता है, तो समस्या समाधान की सबसे अधिक क्षमता किसमें होती है, तो जितनी भी डेवलप चीज है वो आपकी किसमें आएगी, औपचारिक संख्यात्मक अवस्था में आएंगे। इतना क्लियर। अब इन्होंने ये तो बता दिया कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है, लेकिन बच्चा सीखता कैसे है वो भी इन्होंने क्या क्या बताया। संगठन, संरक्षण और अनुकूलन, 3 स्टेज में बच्चा क्या करता है, सीखता। संगठन अर्थात जो स्कीमा होती है, स्कीमा आपके जो संप्रत्यय, स्कीमा का टर्म है ना, जो कॉन्सेप्ट होता है मस्तिष्क में, जो उसके कॉन्सेप्ट बनता है उसको कहते हैं स्कीमा। तो जो संप्रत्यय होता है उनका क्या करता है बच्चा, पहले संगठन करता है, क्योंकि एक चीज तो सीखनी नहीं उसको, वो कई स्कीमा उसको क्या करता है, संगठित करता है। फिर उनको संरक्षित करता है, मतलब उनका संरक्षण करता है, था वो जो बंडूरा ने स्थायित्व तो कहा वही चीज यहाँ क्या आ गई, संरक्षण, उसको बचाए रखना कि वो हट न जाए। फिर उसके अनुसार अनुकूलन करता है, तो उसमें भी स्टेज होते हैं, समाविष्टीकरण करता है, ऐसे पहले जैसे का तैसा अवस्था। ऐसे इसमें एग्जांपल हर बुक में आपको मिल जाएगा कि अगर किसी को बताया कि जो कुत्ता होता है सफेद रंग का होता है, 2 कान होते हैं, मुंह होता है, 2 आंखें होती हैं, इतना बड़ा सा होता है, तो वो कुत्ता जो आपने स्ट्रक्चर बताया, तो बच्चा जो बाहर बकरी को भी देखेगा सफेद रंग की, तो वो क्या कहेगा, कुत्ता। तो ये अनुकूलन के पहले स्टेज की जैसे का तैसा एक्सेप्ट करना। फिर दूसरी स्टेज क्या होती है कि जिस ज्ञान का को आपने एक्सेप्ट किया उसके आधार पर नवीन जो परिस्थिति उसमें समायोजन करना। वास्तव में अनुकूलन का यही तात्पर्य है कि प्राप्त ज्ञान का नई परिस्थिति में क्या समायोजन करना। सादृश्यता अलग है, वो साहचर्य अनुबंधन है, अभी उसमें पिछले में पढ़ा था ना, सादृश्यता क्या, वैसे का वैसा, और साहचर्य अनुबंधन मतलब उसको उसके बेस पे दूसरी चीज में क्या करना,
समझना या उसकी व्याख्या करना। तो अनुकूलन के दो स्टेज होते हैं, पहले में जैसे का तैसा करता है। वैसे आपको ऐसे बैठना है, आपके कमर में दर्द हो रहा है, तो हमने कहा थोड़ा झुक जाइए, तो जितना एंगल पे ये झुके उतने एंगल पे भी आप भी झुक के लिखिए, तो ये कहेंगे सादृश्यता। लेकिन हो सकता है किसी आपने वैसे झुका और थोड़ा झुक गए और आराम है ना, तो आप क्या कर रहे हैं अनुकूलन किए ना, अर्थात आपने उस ज्ञान की, हाँ झुकने से सही है लेकिन हो सकता है और झुके तो और आराम हो। तो यहाँ पे वो तीन स्टेज में सीखता है। कल से फिर से बताऊंगी, नहीं तो फिर ज्यादा हो जाएगा, भूल जाएगा।